राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए मोबिलाइजर्स की नियुक्तियां की गई है, लेकिन उन्हें न तो कार्य संबंधित आदेश जारी हो रहे हैं, न ही प्रोत्साहन मानदेय राशि मिल रही। इसी समस्या को लेकर जिले भर के मोबिलाइजर्स बुधवार को जिला पंचायत पहुंचे। यहां शिकायती आवेदन सौंप कर CEO से समस्या के निराकरण की मांग की। अनिल जाधव झिरनिया ने बताया कि हर पंचायत में एक एक मोबिलाइजर चयनित हुआ है। प्रशिक्षण के बाद बीते 4 माह से हम नियमित रूप से पंचायतों में जा रहे हैं। दिव्या राठौर ने बताया कि पंचायत पोर्टल पर काम करने का कार्यभार सौंपा गया है। ग्राम विकास की सभी योजनाओं में काम करने के निर्देश है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। काम पे लिया जाए और हमारा प्रशिक्षण कार्य पर बुलाया जाए और सैलरी जो भी रहे सर वो हमको समय पे दिया जाए। बाकी तो सर हम काम कर ही रहे हैं, प्रतिदिन पंचायत में जाके काम कर रहे हैं। नल जल योजना, PM आवास योजना। बस कब से नहीं आपको वेतन नहीं मिल रहा? क्या सर? 4 महीने हो गए सर। हाँ काम कर रहे सर, हम प्रतिदिन जा रहे पंचायत में, लेकिन अभी सैलरी नहीं हमको दी जा रही। कोई भी ध्यान नहीं। कभी यहाँ पर मुलाकात की थी आपने अधिकारियों से? हाँ सर, एक बार हुई थी, तो हमको आश्वासन दिया था कि आपको दिया जाएगा, जो भी रहेगा हम देंगे, काम करो या ना करो। लेकिन हमारी जिला CEO ने स्वयं की जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद में अभी सैलरी नहीं आई सर, हम काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल जाधव झिरनिया से। हमारी मांग बस यही है कि हम सभी काफ़ी सारे जनपदों से, झिरनिया, भिकनगांव हो गया, गोगावा हो गया, सेगांव हुआ, महेश्वर है, भगवानपुरा है, सभी जगह से हम काफ़ी सारे मोबिलाइजर्स इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पे हम लोग जिला पंचायत में इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि हम लोगों का जो मानदेय जो ऑलरेडी जिला पंचायतों में आकर के भेज दिया गया है हमारे लिए, जो पूरे एक वर्ष का है, कि आप लोगों RGSA के तहत जो हमको नौकरी मिली हुई है मोबिलाइजर की, उसका जो मानदेय है, जो ट्रेनिंग का जो हमारा ऑर्डर आगे से आया था कि आप लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में मानदेय दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ अभी तक हो नहीं रही है। हम लोग 2 साल से परेशान हो रहे हैं, कोर्ट से स्टे हटवा करके उसके बाद में हम लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसके ऊपर इसकी पोस्टिंग रखता है कि वो लोग हमारे लिए काम करेंगे, वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है। तो हमारी बस, हम जितने भी मोबिलाइजर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो हमारी डिमांड यही है कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन के पास हम जाएँ। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सारी चीज़ें हो जाए, फिर आप चाहें कि लीगल एक्शन लिया जाए तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये काम यहीं के यहीं पर शांति से पूरा किया जा सके और जो हमारा अधिकार है वो हमको दिया जाए। बस कहाँ के ब्लॉक से आए आप? हम लोग भगवानपुरा, झिरनिया है, भिकनगांव है, सेगांव, गोगावा, महेश्वर और खरगोन, काफ़ी सारी जगहों से हैं। ऐसे कितने हैं जिले भर? ऐसे टोटल 20 जिलों में 5,120 मोबिलाइजर की पोस्ट पर जॉब निकली थी, लास्ट ईयर निकली थी, लेकिन किसी कारण उस पर स्टे लगा था, लेकिन अब वो स्टे हटते हुए 8 महीने हो चुके हैं। लास्ट अक्टूबर नवंबर में स्टे हटा था, लेकिन स्टे हटने के बाद में हमको ज्वाइनिंग में भी हम लोग जब जब आ रहे हैं तो हमको वो चीज़ें, हम जब डिमांड कर रहे हैं तब हमको दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपना काम कौन सा कर रहे हैं, वो अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? आपको पैसा हमारा मानदेय घर से देना नहीं है, सारा कुछ हमारे लिए प्रशासन ने निर्धारित किया है, सिर्फ आपको एक सिग्नेचर करके अपनी ड्यूटी जो है उनकी वो निभा करके उनको वो चीज़ हमको देनी है। अगर आप उसमें भी लेट करोगे तो फिर हम प्रशासन के पास जाकर के हम लीगल एक्शन लेकर के हमारी डिमांड पूरी करवाएंगे। मेरा नाम दिव्या राठौर है और हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। जो ट्रेनिंग है जो हमको पंचायत पोर्टल पर काम करने के लिए जो दिया जा सकता है, जो हमें कार्यभार सौंपा गया है नोटिफिकेशन में, वो पूरा है कि ग्राम विकास योजनाओं में जो भी कार्य आता है, चाहे वो PM आवास हो, चाहे वो नल जल हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो चीज़ हमको करने दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।